हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का, साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, बायो नहीं, फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग की दो वीडियो हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सीरीज जल्दी स्टार्ट हुआ, दो दिन हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या हुआ, दो लेक्चर अभी तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन है, दूसरे में रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मतलब इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट करती है, फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर होता है। ठीक है, मतलब जितना हमारा एंगल इंसिडेंस डिग्री का होता है, इंसिडेंस रे होता है, उतना रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल होता है, मतलब आई एंगल आई बराबर आई एंगल आर होता है। ठीक है, दोनों सेम होता था, हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। मतलब आज की टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मिरर दो प्रकार के होते हैं, कैसे, एक होता है प्लेन मिरर, ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है प्लेन मिरर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी तस्वीर अपनी देखते हैं, मतलब हम हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं, अगर हैंडसम लग रहे हैं तो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करके जाते हैं कि हम हैंडसम लग रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम लोग अपना प्लेन मिरर में देख के जाते हैं। ठीक है, तो वो होता है जिसमें हम लोग अपनी तस्वीर देखते हैं, वो क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अब आप लोग के सामने एक चीज और आया होगा कि बाइक में या आपको जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक डीसीएम होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें देखिए कौन सा लेंस होता है, वो स्फेरिकल लेंस यूज होता है। ठीक है, अब कॉनकेव यूज होता है, कॉनवेक्स यूज होता है, ये बात अलग की है, लेकिन कौन सा मिरर यूज होता है, स्फेरिकल यूज होता है। ठीक है, ये ध्यान में पहले रखिए। गाड़ी के साइड शीशे पे लगता है ना, जिसको बोलते हैं साइड मिरर, साइड मिरर पे क्या होता है, स्फेरिकल मिरर रखता है। ठीक है, वहां पे वो आपकी दूरी को कम ज्यादा डिस्टेंस करके मेजर करके आपको दिखाता है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होता है, दो होता है, एक कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉनवेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, कैसे इसका काम है और कैसे इसका शेप होता है, क्या साइज होती है। ठीक है, साइज फिलहाल तो कोई निर्भर नहीं करती है, कितने भी बड़ा हो जाए, छोटा भी हो सकता है, बट शेप इसका निर्भर करता है, मतलब शेप हमारा कैसा होता है, कॉनकेव का कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा, किस शेप में होता है। ठीक है, उसका साइज क्या है, कैसे मतलब बनता है, किस डिजाइन में रहता है। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में देखते हैं कि मतलब पहले हम लोग समझते हैं होता कैसे, कैसे उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा सरफेस। ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये एक सरफेस हमारा पॉलिश्ड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको मान लीजिए पी मान लेते हैं, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से ये क्या है, डिस्टेंस है, मान लीजिए डी। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है। अब यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे आई। ठीक है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे अभी इस सरफेस पे आई, तो यहां से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करे, अब इसको मान लीजिए आप पीछे ले जाएंगे तो कहां जाएगी, इधर आएगी। ठीक है, डॉट डॉट करके पीछे ले आए, यहां आ गई। ठीक है, अब देखिए ये अपर हो गया, अब डाउन में भी तो जाएगी, ये डाउन में गई मान लीजिए इधर। ठीक है, अब यहां से भी ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये कहां जाएगी, अपर में। ठीक है, यहां आ गई। ठीक है, हम छोटा बना रहे हैं फिगर, ज्यादा बड़ा बना देंगे तो बोर्ड उस पार चला जाएगा। ठीक है, और अब देखिए ये पूरा अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ये यहां आई और ये इधर गई। अब देखिए ये डिस्टेंस जो हुई, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये क्या है, ये क्या हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेट हो रहा है। अब देखिए हमको ये देखते हैं हम लोग क्या है, ये डाउन का है, डी लिख देते हैं, डी ओ डाउन हो गया। ठीक है, अप का है, ये अपर है, ये डाउन का है। तो मान लीजिए यहां से क्या हुआ, ये डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारे और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, जितना हमारे ऑब्जेक्ट से होगा उतना ही सेम डिस्टेंस क्या होगा, इमेज से भी होगा। ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस क्या है, ये भी डिस्टेंस डी होगा। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा
प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर ऐसे होता है। अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेट कैसे होती है, मतलब ये जो इमेज बन रही है कैसे बनती है प्लेन मिरर में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग लिख के लेके आए पहले से, फॉर्मेट ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है, मतलब कैसे बनती है। तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, ये डायरेक्ट इमेज नहीं बन रही है कि ये हमारी डायरेक्ट है, ये बन गई, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बन रही। और क्या है, इरेक्ट बन रही, मतलब सीधा, सीधा मतलब जैसे अगर आप बड़ा सा मिरर देखते हैं प्लेन मिरर, तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग, उसमें क्या देखते हैं कि हमारा सर ऊपर है तो उसमें सर हमारा ऊपर है, नीचे हमारा सूज है तो सूज उसमें नीचे दिखता है। जैसे आप लोग मॉल में जाते हैं ना, तो वहां पे आप लोग अपना पूरा फील करते हैं कि हाँ हमारा सर ऊपर है, नीचे सूज है तो नीचे सूज दिख रहा है मिरर में भी, ठीक है, ऐसा नहीं है हम लोग उल्टा दिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इरेक्ट है, ठीक है, ये इमेज बनती है। फिर सेम साइज की बनती है, ठीक है, सेम साइज का मतलब हम अगर यहाँ पे 5 फीट के हैं या 7 फीट के हैं तो हम उस मिरर में भी हम 7 फीट के ही दिखेंगे, ठीक है, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता। या मान लीजिए हम पतले हैं तो पतले दिखेंगे, मोटे हैं तो मोटे दिखेंगे, ऐसा नहीं है मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, ठीक है, मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं है, सेम साइज की वो दिखती है। अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लिटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब इन्वर्टेड मतलब अगर आप मान लीजिए वहां पे दाहिना हाथ उठाते हैं, दाहिना मतलब राइट, अगर आप अप करते हैं, राइट हैंड आप अप करते हैं, तो उसमें क्या मिरर में जो आपका दिखेगा उसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड अप हो रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, सेम अपोजिट होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब आप इसको उठाएंगे तो मिरर में क्या होगा, वो इसको उठाएगा, ठीक है, उठाएगा इसी को, लेकिन दिखेगा क्या, उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मिरर सामने होता है, हम ये उठा रहे हैं उसमें ये दिख रहा, हम ये उठा रहे हैं उसमें ये दिख रहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं, रेड से लिखे हैं, बाकी तो हमारा ये सबको पता है भाई, वर्चुअल बनता है क्या, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, सीधी सी बात है, इमेज जो है वो सेम साइज की बनती है, ठीक है, मतलब हम जितने बड़े हैं उतने बड़े दिखेंगे, जैसे हैं वैसे दिखेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पॉइंट है लिटरली इन्वर्टेड का मतलब, अगर हम राइट हैंड उठा रहे हैं तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड उठेगा, ठीक है, अगर हम लेफ्ट उठा रहे हैं मिरर के सामने तो मिरर में हमारा क्या होगा, राइट उठेगा, ठीक है, इन्वर्टेड अपोजिट, ये जैसे क्या करते हैं आप लोग कभी कभी देखे होंगे, हम लोग क्या करते हैं सेल्फी खींचते हैं ना, तो कहीं कहीं हमारे में देखिए इधर तिल होगा, तो ये मिरर में हमारे क्या है, फोटो खींचे हम इधर तिल दिख रहा है ना, अभी सिंपल में देखिए, सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे हमारे तिल है, तो यहाँ पे हम दिख रहा है आपको, लेकिन हम सेल्फी खींचेंगे यहाँ पे फोटो में देखेंगे इधर दिख रहा है, भाई फोटो में देख रहे हैं वो तिल हमारा इधर दिख रहा है, असल है इधर, तो ये हमारे दिमाग में एक जो है वही है कि मतलब क्या बनता है, ये लिटरली इन्वर्टेड होता है, लेफ्ट उठाएंगे तो राइट उठेगा, राइट उठाएंगे लेफ्ट उठेगा, ठीक है। और क्या है, इमेज इज इक्वल डिस्टेंस, मतलब अब इक्वल साइज की भी बनती है, इक्वल डिस्टेंस पे भी बनती है, ये क्या है, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, आप कहाँ जाते हैं, मॉल में जाते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप 3 फीट उसके खड़े हैं, मिरर से 3 फीट की दूरी खड़े हैं, तो अंदर भी वो दिखेगा कि हाँ आप 3 फीट अंदर खड़े हैं, बाहर मिरर के ऊपर इमेज आपकी नहीं बनती है, मिरर के अंदर इमेज बनती है, ठीक है, मिरर के अंदर इमेज बनती है। यहाँ पे देखिए ये इसके ऊपर कहीं इमेज थोड़ी ना बनी है, इसके अंदर बन रही है ना, इसके अंदर जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, मान लीजिए डिस्टेंस पे आप खड़े हैं मिरर से, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस पे ये इमेज बन रही है, ठीक है, यही है ये लास्ट पॉइंट, इमेज इज इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, इनसाइड मिरर, इनसाइड मतलब अंदर मिरर के अंदर, इतने अंदर में आपकी डिस्टेंस बनेगी जितने पे आप खड़े होंगे, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, पूरा प्लेन मिरर, ठीक है, पूरा हम अच्छे से डिस्कस कर लिए, इसमें कुछ पॉइंट, एक भी पॉइंट बचा नहीं है, अगर आपको लगता है कुछ बचा है तो कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे इसका स्पेरिकल मिरर वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।